हेलो एवरीवन, आज है 13 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। देखिए, बेल के नतीजे आए हैं आज और काफी बड़ा लॉस हुआ है कंपनी को। मार्च क्वार्टर में बहुत बड़ा लॉस है ये, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन नतीजे के बारे में और हाल फिलहाल में इसमें खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं, उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 31 रुपए के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। पिछले कल अगर हम बात करें तो 4.5% की बढ़िया रैली भी यहाँ पर हमें देखने को मिल जा चुकी है, और पिछले एक महीने की हम बात करें तो पिछले एक महीने में 46% का यहाँ पर ग्रोथ है। 21 रुपए से उठकर शेयर सीधा 27 पर आया, फिर गिरा 24 पर, फिर तेजी आई 27 पर, फिर गिरा 26 पर, फिर तेजी आई 31 पर। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो अगर पिछले एक महीने में मैंने इसके ऊपर कम से कम 3 या 4 वीडियो बनाए हैं, और हर बार मैंने आपको बताया भी था कि कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और कहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए। जब शेयर 21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, अगर हम यहाँ पर पहले भी देखें तो जब शेयर काफी कम प्राइस पर ट्रेड कर रहा था, 20-21 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब मैंने यहाँ पर बाइंग की एडवाइस दी थी। जब शेयर में रैली आई 27 रुपए तक ये शेयर पहुंचा था, 26-27 पर पहुंचा था, तब मैंने एक और वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि अब ये मौका है कि अगर आप चाहें तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं उसके बाद गिरावट भी आई थी, 24 रुपए पर शेयर गया भी था। फिर तब मैंने अगेन एक वीडियो बनाया था और मैंने ये भी कहा था कि अब अगर आप चाहें तो फिर से एंट्री ले सकते हैं, और बाद में तेजी आई थी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई थी, और अभी रिसेंटली अगर आपको बताओ तो 3-4 दिन पहले ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जब शेयर आई थिंक 30 रुपए के आसपास ट्रेड करा था, और मैंने कहा था कि अगर आप चाहें तो अभी इस वक्त प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सीधा मतलब है कोई ऐसा शेयर जो पिछले काफी वक्त से बहुत बड़ा प्रेशर झेल रहा हो और एकदम से अगर वो 45-40-45-60% का अगर इसमें ग्रोथ आता है तो जाहिर सी बात है कि वो गिरेगा तो सही नीचे, वो नीचे जरूर गिरेगा। ठीक है, आप देख सकते हो 27 रुपए पर आया, वापस नीचे गिरे, क्योंकि भैया यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग होती है लोगों की। जैसे ही शेयर नीचे जाएगा 24 पर, लोग फिर से एंट्री लेना शुरू करते हैं, फिर से शेयर में तेजी आती है, 27-28 पर पहुंचा, फिर वापस थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर लोग एंट्री लेते हैं, फिर यहाँ पर तेजी आती है, और अब यहां से मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। नतीजे के बारे में बात करें उससे पहले, पिछले एक साल का अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें तो आप देखिए 54% की गिरावट है। 75 रुपए के ऊपर शेयर था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, 20 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया था, और ये वो लेवल था जब मैंने BHEL को पकड़ा था और यहां से मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, और लगातार कब एंट्री लेनी है, कब यहाँ से एग्जिट होना है, ये भी मैं आपको कई वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी करता रहता हूँ। पिछले 3 साल की अगर हम बात करें तो 3 साल में 66% की यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। 104 रुपए के ऊपर शेयर था, कंटिन्यू शेयर टूटा है, 20 रुपए से भी नीचे आ गया है, अब धीरे धीरे ऊपर उठा। तो जैसे कि मैंने कहा कि 3 साल से ये शेयर एक बड़ा प्रेशर झेल रहा था। अगर उसमें रैली आती भी है ना तो वो शॉर्ट टर्म की रैली होती है, लॉन्ग टर्म की वो नहीं होती, और ये मैंने हमेशा कहा है अपने वीडियोज में कि ये वो शेयर नहीं है। मैं आपको 10 साल का भी मैंने आपको हमेशा चार्ट दिखाया है और आप खुद देख सकते हैं कि उसमें भी आप देखिए 90% की गिरावट है। 300 रुपए से भी ऊपर शेयर, 350 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर चुका है, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, लेकिन ओवरऑल ग्राफ नीचे जाता हुआ है। तो ये वो शेयर है जिसमें आप लॉन्ग टर्म की पोजिशन नहीं बना सकते कि भैया अभी खरीदा 5 साल के लिए भूल गए जी, नहीं। ये वो शेयर है जिसमें आपको गिरावट आने पर खरीदारी करनी है, प्रॉफिट आने पर यहाँ से बेच के एग्जिट भी आपको कर जाना है। तो वही चीज यहाँ पर सबसे ज्यादा कारगर साबित होती है। मिड कैप स्टॉक है, 10,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में अगर हम देखने की बात करें तो 7.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है, FIIs के पास 9.36% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 5.62% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.91% की होल्डिंग देखने को मिल रही है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 9.66% की होल्डिंग है। अब देखिए यहाँ पर प्रमोटर भी था, होल्डिंग की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जिनके पास 63.17% की होल्डिंग देखने को मिली है। सरकारी कंपनी है ये और काफी बड़ी कंपनी है ये, लेकिन उसके बावजूद पिछले काफी वक्त से काफी ज्यादा प्रेशर में ये रही है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगा, 147 FIIs भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और आप देखिए अगर कोई सरकारी कंपनी है और बड़ी कंपनी है सरकारी, तो
तो उसमें आपको हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एलआईसी तो मिल ही जाएगा। यहाँ पर भी 10% से भी ज्यादा की होल्डिंग एलआईसी के पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग तकरीबन 8% की है। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे कर रहा है, 60% का डिविडेंड पे कर रहा है। पर शेयर आपको ₹1.20 मिल रहे हैं। बीएचईएल के बारे में अगर हम बात करने जाए तो आप खुद देख सकते हैं कि टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी अच्छी है इनकी। पी 14.67 है, इंडस्ट्री पी 12.05 है, बुक वैल्यू 90 के आसपास है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो काफी सस्ता है, 0.35 के आसपास है। ईपीएस 2.14 है और डिलीवरी तकरीबन 25 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, जबकि 16% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 16% लोग होल्ड करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। बीएचईएल के बारे में अगर जो नतीजे आए हैं अगर वो आप देखेंगे तो भैया बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इनको इस बार। मार्च क्वार्टर में 1534 करोड़ का लॉस हुआ है, 1534 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका जो इनकम है वो कम हो गया है। इनकम इस बार इनका 5200 करोड़ से भी कम है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 5830 करोड़ था, उससे पहले 6300 करोड़ था, उससे पहले 4670 था और पिछले साल तो 10000 करोड़ था। तो आप खुद देखिए पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो इनकम बहुत कम है, आधी से भी कम हो चुकी है इनकम। पिछले साल 10418 करोड़ था, इस बार 5200 करोड़ भी नहीं है, तो आधी से भी कम इनकम हुई है। और पिछले क्वार्टर में 5830 करोड़ था, तो उससे भी कम ही है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए, इस बार जो खर्चा है वो इनकम से ज्यादा खर्चा हो चुका है। 5765 करोड़ का यहाँ पर इनको खर्चा हुआ है, जितना इनकम नहीं है उससे ज्यादा खर्चा है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डेफिनेटली इससे कम ही होगा, ज्यादा बढ़ेगा तो नहीं। तो इसलिए 1534 करोड़ का लॉस हुआ है, बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इससे पहले कंपनी 160 करोड़ के आसपास का मुनाफा करती थी। इससे पहले 118 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 216 करोड़ का लॉस भी था, लेकिन पिछले साल 680 करोड़ का मुनाफा हुआ था। तो आप देखिए मार्च क्वार्टर को अगर हम पिछले इस बार के जो मार्च क्वार्टर के नतीजे को अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आप देखिए पिछले साल 680 करोड़ का मुनाफा था, इस बार 1534 करोड़ का लॉस हुआ है। भैया पिछले क्वार्टर में 160 करोड़ का था, तो उसके कंपैरिजन में ये जो लॉस है वो काफी बड़ा है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाएंगे तो प्रमोटर के पास 63.17% की होल्डिंग है, एक भी शेयर प्रमोटर के द्वारा गिरवी नहीं है। एफआईएस की बात करें तो जो पहले 12.13% की होल्डिंग थी एफआईएस की, आज वो 9.36% के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम देखिए इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो जो पहले 10.94% की होल्डिंग थी इंश्योरेंस कंपनी की, आज वो 10.91% के आसपास देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड पहले 5.83% की होल्डिंग लेके बैठते थे, आज 5.62% की होल्डिंग है। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो एफआईएस ने थोड़ी सी एफआईएस ने बहुत बड़ी होल्डिंग कम की है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने बहुत कम होल्डिंग अपनी कम की है, जहां थी वहीं हम यहां पर कह सकते हैं। लेकिन नतीजे बहुत बुरे आए हैं, और जैसे कि मैंने अगर आपको पता हो तो मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था जब शेयर 30 रुपए के ऊपर था, मैंने कहा था कि अगर आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद देखिए कि एक बड़ी रैली आ चुकी है, ठीक है, बड़ी रैली आ चुकी है। और अभी क्या है कि प्रेशर में आने के लिए इसको एक बुरी न्यूज की दरकार थी, और आज वो एक खराब न्यूज आ चुकी है। एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है कंपनी को मार्च क्वार्टर में, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अब शॉर्ट टर्म के लिए शेयर थोड़ा सा नीचे जरूर जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए, अगेन मैं वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर बर्बाद हो जाएगा, जी नहीं, मैं शॉर्ट टर्म के लिए वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो अगर शेयर नीचे जाता है तो अगेन आपके लिए अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने की, क्योंकि BHEL एक काफी बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और किसी भी हालत में बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। जब भी ये शेयर नीचे जाएगा आपके पास खरीदारी के बढ़िया मौके आएंगे। तो अगेन मैं कह रहा हूँ नीचे जा रहा है, देखिए इसे पहले भी देखिए नीचे गया था, बाद में तेजी आई थी, फिर नीचे गया, फिर तेजी आई, फिर नीचे गया, फिर तेजी आई, फिर नीचे गया, फिर तेजी आई। तो यहाँ पर बस यही है, गिरावट में आपको खरीदारी करनी है, प्रॉफिट में आपको बेचना है, शेयर से प्यार नहीं करना है। ये वो शेयर नहीं है जो आप 5 साल के लिए 1 साल के लिए अपने पास रखे रहो, ठीक है, इससे प्यार नहीं करना है हमें। ये वो शेयर है जिसमें हमें खरीदारी करनी है निचले लेवल पर, और अगर पर शेयर आपको कम से कम 5 या 10 रुपए का भी फायदा होता है तो आप बेचकर एग्जिट ले सकते हो। ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि ऐसे शेयर्स में आपको लंबे वक्त के लिए नहीं होना चाहिए, ऐसे शेयर्स में आपको शॉर्ट टर्म के लिए होना चाहिए, ताकि आपको प्रॉफिट भी हो और बढ़िया से बढ़िया मुनाफा भी आप यहाँ पर कमा के निकल सकें। तो
तो अगेन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के शेयर में गिरावट आएगी। कम से कम ये शेयर मुझे मेरे हिसाब से 27 रुपए के आसपास जा सकता है कुछ दिनों में। तो अगर आप चाहें तो 27 के लेवल को एक बार फिर से टेस्ट आउट कर सकते हैं। खरीदा हुआ है और आप में पेशेंस है कि भैया आप अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं तो आप एग्जिट ले सकते हो यहाँ से। और फ्रेश बाइंग के लिए अभी मैं मना करूंगा। मुझे लगता है कि 27 रुपए का जो लेवल है वहां पर अगर आप चाहें तो एक बार इसको टेस्ट आउट कर सकते हो। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।